पूरे शहर में कितनी शांति थी भाई, अब ये छूट गया है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, कोई इसे टपकाने वाला नहीं मिलेगा क्या? आया भाई। देखिए भाई कैसे बुरी तरह मारा है। देख लो भैया क्या हाल कर दिया है इनका। अगर इनके साथ कुछ ज्यादा हो जाता तो मेरा क्या होता? आप यहाँ होते तो ऐसा होता क्या? अब मैं आ गया हूँ ना, हौसला रख, इसे कुछ नहीं होगा। लेटा रहा, लेटा रहा। भैया बहुत मारा उसने मुझे भैया। तू बस आराम कर दे राज, मैं आ गया हूँ ना, मैं उसे देख लूंगा। उस शिवा को मत छोड़ना भैया, जान से मार देना उसे, जान से मार देना। ए, कहां मिलेगा वो शिवा? भैया चित्रा तू यहाँ क्या कर रही है? भैया मुझे आपको एक बात बतानी है, ये बात मैं पापा को नहीं बता सकती, इसीलिए आपके पास आई हूँ। उस दिन जयराज जो हमारे घर आया था वो मेरे लिए आया था। उस दिन जब मैं शॉपिंग करके घर आ रही थी गुस्से में मुझे उठाने के लिए आया था। अगर उस वक्त शिवा भैया वहाँ नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। भैया आप वो जयराज को छोड़ना मत भैया। हे, यार शिवा कौन है? अरे तू कहाँ छुपा है? अरे भाई 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 वो देखिए वो आ रहा है। तो तू है शिवा? मैंने सोचा था 6 फुट लंबा फौलाद जैसा शरीर होगा तेरा, तूने मेरी बहन के सुहाग पर हाथ उठाया। ए, ये कौन है तुझे पता है क्या? पता है क्या तुझे? मैं इसे देखते ही कैसे पहचान लेता, ये कोई सीएम है या पीएम है? ए, तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है। हमारे भाई से बात करने के लिए सीएम भी थरथर कांपता है, लोग इन्हें आंख उठाकर देखते नहीं है। बड़े बड़े गुंडे को पता चला कि भाई बाहर आ गए हैं तो सारे जेल के अंदर जाकर बैठ गए। पता है क्या तुझे? हे, जयराज को तूने क्या समझ रखा है? एक दिन जब पुलिस ने मुझ पर गोली चलाई थी तो उसने बीच में आकर मेरी जान बचाई, इसलिए अपनी बहन की शादी उससे करवा कर मैंने उसका एहसान चुकाया, और तूने उस आदमी को जान से मारने की कोशिश की। हा? दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ जिगर की जरूरत होती है। वैसे ये जिगर वाला है भाई। तू अपने आप को 30 मार खान समझता है क्या? अगर मेरे रास्ते में आया ना तो हाथ पाँव तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देख उसने गुनाह किया इसलिए मैंने उसे मारा, और अगर तूने उसके गुनाह पर पर्दा डाला ना तो माँ कसम कह रहा हूँ अब की बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए और मरने के लिए जिगर चाहिए। भाई भाई, भाई आपके जीजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। भाई इसे बाद में देख लेंगे, पहले थाने चलते हैं भाई। चलो रे, चलो चलो। मुझे जानता है क्या? बलराम, एक ही चुटकी में तुम्हारे इस थाने को मिट्टी में मिला सकता हूं। मेरे जीजा को अरेस्ट करने की जरूरत कैसे की? लगता है अभी अभी ऐसा ही बना है तू। शराफत से कह रहा हूं छोड़ दे उसे। मैं भी शराफत से कह रहा हूं, मैंने इसे अरेस्ट किया है और कोर्ट भी ले जाऊंगा। तूने सिर्फ कानून पढ़ा है पर मैं उसी कानून को खरीद कर उसका सर झुकाना जानता हूँ। तू बेशक कानून को खरीद सकता है लेकिन इसे बचाने के लिए तू मेरा सर नहीं झुका सकता। जो सर सीधी तरह झुकता नहीं ना उसे मैं उखाड़ देता हूँ, हमेशा स्पॉट पे सेटलमेंट करता हूँ। अगर तू चाहता है कि तेरा बाप सही सलामत जिंदा घर पहुंचे
तुम मेरे जीजा को छोड़ दे, नहीं तो अपने बाप की लाश पर हार चढ़ाने के लिए तैयार हो जा। तुझे झूठ लग रहा है क्या? पहले फोन तो उठा ले। माँ, तेरे पापा को उठाकर ले गए, क्यों ले गए कुछ पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। लड़ी, मेरे पापा कहाँ है बता, वरना मैं तुझे। कूल। देर करेगा तो तेरा बाप, उसके बाद तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बीवी, बच्चा, सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा, तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हे सर, छोड़ दो उसे। ए, ए, चल निकल जा। सर सर, पापा आप ठीक तो है ना, उन्होंने कुछ किया तो नहीं? पता नहीं कौन थे, अचानक आए और उठा कर ले गए। इसका जिम्मेदार वो शिवा है, उसकी वजह से और क्या होगा पता नहीं। शिवा, बलराम आ गया यार। जाओ भाई, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, पता नहीं आज कितनों की हड्डियां टूटेंगी, पता नहीं कितनों की लाशें गिरेंगी। आज बस मैं बच जाऊं, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। रुका क्यों है, चल यहां से। तू जानो, चल यार उसे छोड़ना। तू जानो, मेरी बात मान, चल यहां से। करो जा। तुझे क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा? मैं जिसे मारने की ठान लेता हूं उसे मार कर रहता हूं। मार डालो इसे। भाई, अगर जान बचानी है ना तो यहाँ से निकल लीजिए भाई, अगर जिंदा बच जाए तो इसे अगली बार देख लेंगे। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए चलिए, आइए चलिए। ए चलो रे, लड़की को किडनैप कर लिया है, अपने गोडाउन में रखा है राजा। अरे शिवा, अभी आया? हाँ यार। अच्छा, चाय पिएगा? नहीं यार, मैं नहीं पीऊंगा। तेरे आइटम को मेरे आदमियों ने किडनैप कर लिया है, अगर दम है तो उसे छुड़ा कर ले जा। क्या हुआ शिवा? कीर्ति को उस बलराम ने किडनैप कर लिया है। ए, छोड़ उसे, उसने कभी तुझे समझने की कोशिश की? उसके लिए मारपीट करके बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मुझे कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, अगर मेरे अपनों को कुछ हुआ तो। ए, ए, शिवा, ए, शिवा,
ये क्या कोई नजर नहीं आ रहा है? सबको जमीन में दफना दिया क्या? hey, भाई मैं तो बस चलिए भाई। अरे बाप रे भाई, किसने किसने किया ये सब? मुझे पता ही था भाई कि वो इनकी बैंड बजा देगा। ए तुम लोग देखते क्या हो, खोलो इनको। ए किसने किया ये सब? भाई भाई वो शिवा आया था और हमारा ये हाल करके उस लड़की को ले गया। अबे गधे उजड़े चमन, तुम सबको तो उल्टा लटका दिया लेकिन ये दो रस्सी उसने क्यों खाली छोड़ दी? हमको लटका के आप दोनों को भी लटकाने का बहुत वेट किया उसने, आप नहीं आए इसलिए वो चला गया। इन दोनों को लटकाएगा? शुक्र है उसने मुझे बख्श दिया भगवान। तुम लोगों ने भाई का नाम मिट्टी में मिला दिया, चलो जाओ यहाँ से। दस बारह तेरह चौदह, आज बहुत पैसे कमा लिए लगता है। कीर्ति मैडम घर खाली कर रही हैं, दूसरा घर ढूंढने के लिए पैसे दिए हैं। ये पैसे पैसे पैसे। शिवा मुझे लगता है कीर्ति को सारी बात पता चल गई है। देख अभी भी सोचता रहेगा तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। इसी वक्त कीर्ति को जाकर सारा सच बता दे तू। जा जा। हाँ कीर्ति क्यों आए हो यहाँ? अब और क्या झूठ बोलना बाकी है? मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूं पर नहीं बताया। क्यों बताओगे? क्योंकि तुम्हें खूनी हो, गुंडे हो, इसलिए नहीं बताया। तुम शरीफ हो, अच्छे इंसान हो, ऐसा सोचकर प्यार कर बैठी मैं। सबसे यही कहती रही कि मेरा शिवा ही रहे, लेकिन तुम तो मुझे गुंडों के नाम से भी नफरत है और मैं एक गुंडे से प्यार कर बैठी जिसे अपना मानकर दिल दिया, उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। कीर्ति मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझाने की कोशिश करोगे? पालने वाले को ही धोखा दिया, जिन्होंने सहारा दिया उन्हीं के आदमी को मार डाला, जिनका खाया उन्हीं के लिए जहर उगला, अब और भी कुछ समझाने के लिए रह गया क्या? सोचा था तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी, तुम्हारे लिए ये करूंगी वो करूंगी, सोचकर क्या क्या सपने देखे। कीर्ति पास मत आना और कभी अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। जाओ चले जाओ। I said get lost। चल। शिवा हाँ, कितने सालों से माँ बाप से मिलने की आस लगाए बैठा था, आज भगवान ने तेरी वो इच्छा पूरी कर दी यार। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बुरा भी लग रहा है। क्यों क्या हुआ? और क्या यार, माँ बाप से मिलने की खुशी में अब तू इस दोस्त को भूल जाएगा ना, इसलिए। हे उनके अलावा अगर मेरा कोई है तो वो सिर्फ तू है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार। अच्छा सुन, बीच बीच में टाइम निकाल कर गैरेज में आते रहना। हाँ आऊंगा, चलना। शिवा माँ बेटा, तू तो कितना बड़ा हो गया, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, तुम कैसी हो माँ? मैं भी ठीक हूँ। कितने साल हो गए तुझसे मिले हुए, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें कितनी तरस गई थी, मेरी मजबूरी थी बेटा जो मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाई। मैं समझ सकता हूँ माँ। मैं पापी हूँ बेटा, मैं पापी हूँ। अंदर आ जा बेटा, आ बैठ जा।
तू रुक, मैं अभी आई। तुझे अपने हाथों से खाना खिलाए, कितने साल बीत गए। पापा का गुस्सा तो खत्म हो गया होगा ना माँ? हाँ? आ, 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 अन्नपूर्णा। पापा? कौन है तेरा पापा? हाँ? यहाँ क्यों आया है? हम जिंदा हैं या मर गए ये देखने? हाँ? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, कल को ये हमारी जान भी ले सकता है। अब ये एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। यशवंत, इसे निकालो यहाँ से। पापा, आपके अलावा मेरा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाकर मर, समझ लूंगा एक बला टल गई। चल निकल। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए पापा। मेरी बात तो सुनिए, इसे मत निकालिए। तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। पापा, अरे सुनिए, रुक जाइए पापा, निकल। सुनिए, आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ मैं। पापा, सुनिए, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। हम लोग तुझे भूल चुके हैं और बहुत खुश हैं। देख, अगर तू हमसे सच में प्यार करता है तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, चला जा यहाँ से। जा, जा निकल पापा, जा। भाई, हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं ये वही है। शिवा, हाँ? चलो यहाँ से। आज ये लड़की बचनी नहीं चाहिए। शिवा, चलो यहाँ से, चलो। छोड़ना नहीं उसे, चलो। जल्दी चलो यहाँ से। ए, चल चल निकल यहाँ से, निकल निकल, चल निकल निकल, चल भाई, चल यहाँ से, निकल गई। बाय कीर्ति। एक मिनट रुको। तुमने मुझे वहां से निकलने के लिए क्यों कहा? यूं ही, तुम बाइक कितनी तेज चलाते हो देखना था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसी हो? मैं और प्रॉब्लम में फंसी हूँ? हेलो, मैं कमिश्नर के ऑफिस में काम करती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सॉल्व कर दूंगी। बाय। कीर्ति माँ, तू ठीक है ना बेटी? हाँ माँ। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पापा। पापा, मैंने बताया था ना, यही है शिवा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आओ माँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। फोन पर हमेशा मेरी बेटी कीर्ति तुम्हारा ही जिक्र करती रहती है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कीर्ति किसी प्रॉब्लम में है? हेलो, हु स्पीकिंग? ए, राम राव। ए, कौन है तू? शिवा। शिवा? कौन शिवा? मेरी बात ध्यान से सुन, तू 20 माले की जो बिल्डिंग बना रहे ना, उसके गिरने से पहले यहाँ आ जा। तू किससे बात कर रहा पता है तुझे? चिल्ला मत। तेरे बिल्डिंग के गिरने से पहले अगर तू सेटलमेंट करना चाहता है तो उस जयराय को भी अपने साथ लाना। 10 मिनट के अंदर अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच। हेलो, किसी शिवा नाम का आदमी का फोन आया था, वो मेरी बिल्डिंग को गिरा देगा, ऐसी धमकी दे रहा था। शिवा नाम का? 10 मिनट में तुम्हें भी साथ में लाने को बोला है। तुम फिक्र मत करो, मैं वहीं आता हूँ अभी। बिल्डिंग तो सलामत है भाई, इससे पहले कि वो बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दे, इस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर एक सेल्फी ले लें क्या? ए, चुप कर। कहाँ है वो? वो ऊपर है।
भाई उस दिन इसे ही डरा कर ये जगह अपने नाम करवाई थी ना भाई। ये बुढ़ा है शिवा को सामने रखकर आपके बैंड बजाने की कोशिश कर रहा है। डरा धमका कर धोखे से तूने ये जगह अपने नाम की है ना। अगर अभी तू मेरी बात शांति से मान गया तो तू बच जाएगा, और अगर तूने इन्हें या इनकी बेटी को छूने की भी कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा, और अगर उंगली की तो उंगली काट डालूंगा, और उसके बाद भी अगर तू बाज नहीं आएगा तो यही गड्ढा खोद कर जिंदा गाड़ दूंगा। दूसरों का घर उजाड़ कर तू बिल्डिंगें बना रहा है ना, बंद कर दे ये सब। hey, मार डालो इसको। hey. आखिरकार इसकी कब्र खोदने वाला कोई तो पैदा हुआ। अगर तूने मुझे मारा तो मार खा लूंगा, अगर तूने मेरे अपनों को मारा तो मैं मार डालूंगा। नमस्ते भाई। आप फिर अंदर हो गए भाई? फिर से किसी का मर्डर करना पड़ा। अगले हफ्ते बेल होने वाली है। आज बदन में बहुत दर्द है, मसाज करने के लिए किसी को ले गया। ये सब बंद हो गया है भाई। क्या बंद हो गया है? हाँ भाई, एक आदमी जेल में आया है, उसने नियम बनाया है, कहता है अपना अपना काम खुद करो। ए, कौन है रे वो? राजा जो बजाता है बाजा। भाई ये है उसका चेला। हेलो गंदी नालियों के गंदे कीड़ो, जल्दी से इसे धोकर सुखा देना। इन्हें रूल्स नहीं बताया क्या? देखो भाइयों, यहाँ अपना अपना काम खुद ही करना पड़ता है, ये इस जेल का रूल है। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, दोपहर में और भी कुछ काम है। ए, मैं कौन हूँ तू जानता है? तू मुझे रूल्स बताएगा? ए, तू कौन है ये जानकर मैं क्या करूँगा? रूल्स बनाने वाला मैं नहीं हूँ, कोई और है। कौन है वो? शिवा। शिवा, शिवा, वो जो कहता है वो रूल्स होता है, और जो करता है वो इंसाफ होता है। कौन है वो शिवा? बुला उसे। ब्रदर जाने दे, कल हम दोनों रिहा होने वाले हैं, ऐसे टाइम पर लफड़ा करना सही नहीं है। अब चुपचाप अपना काम करना। तेरी तो। शिवा। से शुरू कर दिया वो गुंडे कितने खतरनाक है पता है? उनमें से एक ने 7 रेप किए हैं और 3 खून भी किए हैं, और दूसरा दरिंदा है, ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जाने ली हैं, और तीसरा उसने पैसों के लिए कितने घर उजाड़े हैं, कितने परिवारों की जाने ली हैं। उसने तो कई मासूम बच्चों को भी बेरहमी से मारा है। उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट है, उनके टुकड़े टुकड़े करने का मेरा भी दिल करता है, बट कानून ने हाथ बांध रखे हैं। शिवा जाओ धो डालो उनको। उनका वो हाल करना कि जिंदगी में वो दोबारा ऐसा गुनाह ना करें। आगे जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ऑफिसर सभी सिक्योरिटी वालों को ऑफिस में भेजो।
इंतजार करूं। मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स के पास हूँ। यस। गाड़ी पीछे ले। हाँ। भाई नहीं भाई, ये बात अगर भाभी को पता चली तो मुझे जान से मार देंगी। ये बात उसे पता चली तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आ, भाई जल्दी आ यार। वाह, सिल्की स्वीटी, मेरा दुपट्टा दो। ए, अगर हिम्मत है तो तू ही ले लेना, अगर नहीं ले पाई तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? मेरा दुपट्टा मुझे दो। मुझे जो चीज पसंद आती है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। छोड़, बदतमीज, तू मुझे जानता नहीं है। बैकग्राउंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो लड़की पसंद आ जाती है उसको चखे बिना मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। चला। ब्लडी इडियट। चलो रे गाड़ी में बैठो जल्दी। चलो 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 भाई। ए, ये लड़की फिर कभी मिल जाएगी, फिलहाल अपना टाइम सही नहीं चल रहा है। अगर हम उसके हाथ लग गए तो हमें छोड़ेगा नहीं, ऊपर से आप वांटेड है, अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो आपको उठाकर ले जाएंगे। चलिए चलिए बैठिए, चलिए चलते हैं, आइए चलिए। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदानुष्ठन्नोऽतिभिस्तेजसाधनम्। चित्रा, शरद अभी तक आया नहीं? मैंने भैया को फोन किया था, सीएम का कोई प्रोग्राम है, आधे घंटे में आ जाऊंगा ऐसा कह रहे थे। ये लीजिए। अन्नपूर्णा, धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, सारी खिड़कियां खोल दो। अभी आए? हाँ बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाय कीर्ति। पूजा शुरू हो गई क्या? हाँ, बस अभी शुरू हुई है। हाँ आ रही हूँ माँ, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। hey, अगर कोई बीच में आए तो उसे काट कर फेंक देना। ठीक है भाई। अरे इसकी जात का, हथौड़ा मारने तक ये शांति नहीं बैठेगा। इसके साथ रहूंगा तो कोई मुझे भी काट डालेगा। हे भगवान, मेरी पत्नी के सुहाग की रक्षा करना। ये यहाँ ये बार बार एंट्री मारकर इसका खेल बिगाड़ देता है, लगता है इसकी मौत इसके हाथों ही होगी। उस दिन मैंने तुझे समझाया था ना, फिर भी तू आज मरने के लिए मेरे घर तक पहुंच गया। ये मेरा घर है, मेरे लिए ये मंदिर की तरह है, और आज मेरे घर में पूजा पाठ हो रही है। शराफत से कह रहा हूँ, चला जा। तू बार बार मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत कर रहा है। उस दिन मेरे आदमी नहीं थे इसलिए तू बच गया, आज पूरी पलटन के साथ आया हूँ। ए, मारो इसे। Ah!
पता नहीं ये बार बार यहाँ क्यों आता है। शुभ कार्य को इसने बिगाड़ कर रख दिया। अंकल, आप शिवा को जानते ही क्या? मुझसे बेहतर कौन जानेगा इसे? जेल से इस अनाथ लड़के को मेरा बेटा घर में ले आया और उसे पाला पोसा, लेकिन ये खूनी का बेटा खूनी ही निकला। मेरे छोटे बेटे को मारकर जेल की सजा काट चुका है। जेल से छूटने के बाद ऐसे ही गुंडागर्दी करके हमें परेशान करते रहता है। सुनिए ना, देखिए मैं आई हूँ। क्या हुआ आपको, बताइए ना, बताइए ना। मेरे पति को कितनी बेरहमी से मारा है, किसने मारा है, कौन है वो? अगर सच बोलूंगा तो मेरी शामत आ जाएगी। भाभी, मैं और भाई चुपचाप अपने रास्ते जा रहे थे तो शिवा नाम का कोई आदमी दुश्मनी निकालने के लिए भाई पर हमला किया और धोबी की तरह भाई को धो डाला। वो मेरे पति को इतनी बुरी तरह से मारा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? अगर उस वक्त मेरे भैया होते ना, भैया भैया। आपसे मिलने के लिए आपका कोई आदमी आया है? भाई वो क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मेरे बहन के पति पर हाथ उठाया वो, मैं नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं उसे मार दूंगा, जान से मार दूंगा, छोड़ो मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।